वी आर डिस्कस अबाउट न्यूट्रीसन इन अमीबा दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक सो वी विल कवर इट इन ओनली वन वीडियो बोले तो वन सॉट ओके सो अमीवा इज अ टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ये सबको पता रहना चाहिए अगर ये आपको नहीं पता है ना क्या कर रहे हो यार इतना नहीं पता है तो क्या न्यूट्रिशन पढ़ोगे लेकिन कोई नहीं जान लो कि अमीबा एक ही सिंगल सेल से बना हुआ है ठीक है जैसे हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे सेल्स का कम्बिनेशन करके बना गया है तो वैसे ही अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है इट हैज़ नो माउथ और एनस पता होगा नहीं पता होगा तो जान लो द फूड इज टेकन इन एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी अमीबा कहीं से भी खाना ले लेता है क्योंकि उसके पास ना ही माउथ है और ना ही इनस ओके अमीबा इज एन ओमनीभरस एनिमल अमीबा इज एन ओमनीभरस दे कैन ईट हर्बी एंड इंक्लूड हर्बी एंड कार्निवर्स वो कुछ भी खा सकता है ठीक तो अगर आपको ये इसका कंसेप्ट नहीं है कि ओमनी क्या है होता है हर्बी क्या होता है कार्निवोर्स क्या होता है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है या फिर कमेंट में पिन कर दिया है या फिर आई बटन में फिर देख लीजिए उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से थ्री डी एनिमेशन के साथ मैंने समझाया है इट फीड्स ऑन एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ये एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाता है जो हम लोग अपने नेग्ड आई से नहीं देख सकते अब हम लोग बात करेंगे कि अमीबा का इंजेशन कैसे होता है डाइजेशन कैसे होता है अब्जर्बसन कैसे होता है और इजेशन कैसे होता है ओके सो so पहला जो है वो है इंजेशन दूसरा जो है वो है डाइजेशन तीसरा है ऑब्जर्बसन एंड चौथा है इजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होने वाला है इंजेसन ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फूड अमीबा पोसेज फिंगर लाइक सीडोपोडिया फॉल्स फ़ीट अराउंड द फूड एंड इन गल्फ सीट ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अमीबा अपने फूड को कैसे लेता है तो अमीबा के आसपास में कोई भी फूड पार्टिकल आता है जो कि उसको खाना होता है तो उसके शरीर से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अप होता है उसको हम लोग फॉल्स फीड भी बोलते हैं जिसका जो नाम है वो है सीडोपोडिया का मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द बॉडी किसी भी बॉडी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलना जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे फिंगर लैक फर्स्ट में देखो वो नॉर्मली अमीबा है एंड सेकेंड में देखो उसका जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है उसको सुइडोपोरिया बोलते हैं अब बात करते हैं कि द फूड गेट ट्रैप्ड इन अ फूड वहकल विथ इन द बॉडी फूड अपने आप ट्रैप हो जाता है और कहा जाता है फूड वैक्यूल में कहा जाता है फूड वैक्यूल में अब जानते हैं डाइजेशन के बारे में अब ये तो खाना ले लिया अमीबा खाना को ट्रैप कर लिया अब खाना का क्या होगा उसके बॉडी में इसको पढ़ेंगे तो डाइजेशन होगा नॉर्मली डाइजेशन होता है द फूड इज डाइजेस्टेड इन साइड द फूड वर्कल ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया द डाइजेस्टिव इंजाइम्स आर सेक्रेटेड इन टू फूड वर्कल फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म उसका जो बॉडी है वो साइटोप्लाज्म का रहता है ज़्यादा तो साइटोप्लाज्म पाता है तो उसी से सिक्रेट होता है डाइजेस्टिव इंजाइम और वो सिक्रेट होता है और मिक्स कर जाता है किसके साथ फूड के साथ अब ऑब्जर्बसन क्या है ऑब्जर्बसन द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इन टू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंड इज यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर अब ऑब्जर्बसन में क्या होता है ऑब्जर्बसन प्रोसेस में कि जो भी फूड है वो डाइजेशन हो गया है तो उसमें का जो फूड का जो डाइजेस्टिव जो भी डाइजेशन हो गया है उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिल जाता है और साइटोप्लाज्म के मिलने के बाद अम्बिवा के बॉडी को ग्रोथ एनर्जी और रिपेयर में हेल्प करता है ठीक है बात करते हैं अब बात क्या करते हैं इजेशन के बारे में इजेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा और नहीं पता होगा तो द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ बॉडी एट एनी पॉइंट बिकॉज अमीबा हैज़ नो एनस हाँ तो ये जानना जरूरी था इजेशन में होता क्या है कि आ, कहीं से भी अमीबा के बॉडी में कहीं से भी फूड को एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है क्योंकि अमीबा के पास कोई एनस नहीं होता है तो किसी भी पॉइंट से एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है ओके आई होप इट्स वीडियो हेल्पफुल फॉर यू इफ यस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो नाउ फिर अगले वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद मातरम